देश की प्राचीन ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अनेकों सबूत आज भी मौजूद हैं, जो बताते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले भी इस देश में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिन पर आज का विज्ञान भी आश्चर्य करता है। चाहे वो कैलाश मंदिर की इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर हो या फिर दिल्ली का लौह स्तंभ हो, ऐसे अनेकों प्रमाण आज भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि प्राचीन ज्ञान विज्ञान काफ़ी उन्नत था। अगर बात करें आज से हजार साल पहले के भारत की, यानी कि राजा भोज के समय की, तब राजा भोज के काल में उनके राज्य में विज्ञान और तकनीक की काफ़ी उन्नति बताई जाती है। राजा भोज ने अपने ग्रंथ समरांगण सूत्रधार में बताया है कि उनके राज्य में किस तरह विमान हुआ करते थे और उनकी क्या विशेषताएं थी, कैसे रोबोट्स का प्रयोग भी होता था। इसके अलावा नगरों को बसाने और भवन निर्माण की कला के बारे में विस्तार से राजा भोज ने बताया है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें खास तौर पर भवन निर्माण यानी वास्तुकला के बारे में बताया गया है। वहीं इसमें विमान और रोबोट्स के प्रयोग का भी वर्णन है, जिससे पता चलता है कि आज से हजार साल पहले भी टेक्नोलॉजी हमारे देश में विकसित थी। राजा भोज ने अपने राज्य के समय वेदों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया और जो लोग शास्त्रों में ऋषियों के नाम से अश्लील और असंभव बातें जोड़कर मिलावट करते थे, ऐसे लोगों को राजा भोज ने अपने समय में दंड भी दिया और वेदों में छुपे विज्ञान पर भी ध्यान दिया। राजा भोज के इस ग्रंथ में हमें स्त्री पुरुष प्रतिमा यंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें ऐसे यंत्र के निर्माण के बारे में बताया गया है जिसमें इंसान की तरह आँख, गर्दन, हाथ और उंगलियाँ भी हो और जिसकी आउटर बॉडी को कास्ट यानी लकड़ी से बनाया हुआ बताया गया है और ऐसी बॉडी बनाने के बाद उस पर चमड़ा डालकर तैयार करने की बात बताई गई है। इसके अलावा उसके अंदर अनेकों शलाकाओं को सूत्र के रूप में पिरोने की बात भी की गई है। इस यंत्र की विशेषताओं के बारे में आगे बताया गया है कि ऐसा यंत्र गर्दन हिलाता है, हाथों को फैलता समेटता है, जल की सिंचाई कर देता है और नमस्कार भी करता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि ऐसा यंत्र मानव आने वालों को शीशा दिखाता है, वीणा और वाद्य यंत्रों को भी बजाता है और इस तरह इन सब गुणों के साथ ऐसा यंत्र संचालक की बुद्धि के अनुसार चक्रीय विधि से अनेकों प्रदर्शन करके दिखाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि ऐसा यंत्र बॉडीगार्ड यानी द्वारपाल का कार्य भी कर देता है, जिसमें बाहर से जबरदस्ती घुसने वालों को रोकता है और रात में चोरों से भी रक्षा करता है। इसके अलावा विमान की चर्चा करते हुए इसी ग्रंथ के यंत्र विधान अध्याय में दो प्रकार के विमान के बारे में बताया गया है, लघु और अलघु विमान। लघु विमान के बारे में बताया गया कि यह एक छोटा विमान होता था जो कि एक बड़े पक्षी के जैसा होता था, जिसके दोनों तरफ विंग्स होते थे। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि इसमें विमान को पावर देने के लिए रसराज यानी मरकरी को फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता था, यानी कि इसमें मरकरी पावर्ड इंजन होता था। इसके साथ ही इसके विंग्स को कंट्रोल करने के लिए एक राइडर भी होता था जो विंग्स को कंट्रोल करता था और इस लघु विमान का मुख्य बॉडी मटेरियल लाइट वुड था। वहीं पर अलघु विमान की चर्चा करते हुए बताया गया है कि इसकी शेप एक टेंपल जैसी होती थी और इसमें भी एक मरकरी पावर्ड इंजन होता था। इसकी विशेषता को बताते हुए राजा भोज कहते हैं कि इस इंजन की भयानक आवाज़ को सुनकर हाथी डरकर भाग जाते थे। राजा भोज के बारे में एक अन्य ग्रंथ भोज प्रबंध के अनुसार राजा भोज के राज्य में कुछ शिल्पी लोग थे जिन्होंने एक घोड़े के आकार का यान बनाया था जो एक कच्ची घड़ी यानी 24 मिनट में 11 कोश और एक घंटे में 27.5 कोश चलता था, यानी कि 88 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलता था। इसके अलावा एक पंखा भी किसी ने बनाया था जो बिना किसी मनुष्य के प्रयत्न से कला यंत्र के बल से नित्य चला करता था और ठंडी हवा देता था। तो इस तरह राजा भोज के समय में अनेकों तकनीक की विद्या हमारे देश में मौजूद थी, लेकिन ये सब विद्या कहाँ से आई? असल में राजा भोज ने अपने राज्य में वेदों को काफ़ी महत्व दिया था और उस समय वेदों के आधार पर लिखे गए कई ग्रंथ भी मौजूद थे जो आज लुप्त हैं। राजा भोज ने अपने काल में इन ग्रंथों के महत्व को समझा, जिसकी वजह से उस समय ऐसी कई तकनीक का विकास हुआ था। आखिर में यह बात साफ है कि हमारे देश में विज्ञान काफ़ी उन्नत था, लेकिन इस देश पर हुए कई आक्रमणों की वजह से और हमारे ज्ञान संपदा को जलाने की वजह से अनेकों विद्याएं लुप्त हो गई। राजा भोज के ग्रंथ से हमें पता चलता है कि किस तरह हमारे देश में रोबोट्स और विमान भी होते थे। राजा भोज के इस ग्रंथ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फ्रेंड्स, इस जानकारी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।